अब थोड़ा इधर आइए ना, थोड़ा बोर्ड आ रहा है। या ओके स्टार्ट फ्रॉम हियर। पूनम पूनम लुक नहीं, पूनम स्ट्रेट, पूनम राइट राइट राइट, पूनम स्ट्रेट, वेट देव राइट राइट राइट, पूनम 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 आपके राइट में देखिए ना, पूनम ऑलमोस्ट स्ट्रेट, पूनम राइट स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, पूनम हियर, पूनम राइट, पूनम राइट, सॉरी पूनम राइट, वो पूनम की लुक शिफ्ट कर देती हो आप। पूनम स्ट्रेट, पूनम लेफ्ट, पूनम यहाँ स्ट्रेट, पूनम ये लास्ट, क्या लुक है पूनम, यहाँ देखा ही नहीं पूनम भैया प्लीज। अरे इधर तो देखने दो, अरे डिस्टर्ब मत करो, एक जन को देखने दो। पूनम जी कल से बैठे हुए हैं, आइए हमारा तांबी जी इकड़े, वो दो बंद कर देना। पूनम भैया प्लीज, पूनम लेफ्ट, मैम यहाँ लेफ्ट, पूनम वन लुक किया, पूनम लेफ्ट, यहाँ लुक किया, पूनम जी यहाँ, यहाँ मैम लेफ्ट, पूनम जी लुक शिफ्ट कर, पूनम यहाँ स्ट्रेट, पूनम लेफ्ट, पूनम मैम लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मैम स्ट्रेट, पूनम एकदम स्ट्रेट, पूनम क्या हो गया इधर, या पूनम ये प्लीज चिल डाउन, पूनम जी पूनम एकदम स्ट्रेट, पूनम मैम, इट्स मोर लाइक that you pay a certain amount, like 20 bucks, that's it, and you can watch a full-fledged film. It's that easy. Why is it so quiet here? अच्छा वही करेंगे, हाँ बेस्ट है। मेरे को कॉफ़ी भी नहीं मिली, देखो मेरे को तो बस कभी से रुकी हुई है, फिर कॉफ़ी पिला दो यार, मेरी आँख खुल जाएगी। मैं सुबह 7 बजे की उठी हुई है। ऑफ कोर्स आई मीन द मार्केटिंग एट अमित वर्क विद मी, सो ही इज अ थिएटर आर्टिस्ट बाय द वे, तो मुझे भी अच्छा लगा बिंग कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर जो आप लोगों ने मुझे नाम दिया ना, मैंने वो सो ही वाज बिग स्केयर्ड ऑफ मी, आप मुझे डरे हुए थे, इनको लगा मैं इनको कुछ कर दूंगी, है ना, आपको बिल्कुल ऐसा लगा था ना, देखिए अभी भी डर रहे, देखिए मुझसे योगदान तो नहीं, पूनम जी का ही पूरा योगदान है, और आदम सर का मेरा तो कुछ नहीं है उसमें। मेरा योगदान कुछ नहीं है, जो भी है पूनम जी का और आदम सर का और हमारे प्रोड्यूसर का। मैं ब्लैंक पेपर था, जो लिखा गया है बस लिख दिया गया। पूनम जी आजकल हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में बहुत बन रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छी बात है यार, अभी हम इतने कॉन्ट्रोवर्सीज करते थे, किया करते थे, अभी नहीं करते, तो अब इतनी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स इतने अच्छे से, मतलब पीपल आर लाइकिंग इट, तो मैं क्यों कॉन्ट्रोवर्सी करूँ? दैट्स हाउ आई थॉट, मैं द वीकेंड दैट इज अ रीजन आई थॉट पीपल आर एक्चुअली लाइक इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जोक्स अबाउट, पीपल आर लाइकिंग इट, so and things are actually changing, आप जहाँ पे यू नो सोसाइटी में हर जगह हम ये बोलते हैं, हम ये मानते हैं कि लड़कियाँ ऐसी होती, लड़कियाँ वैसी होती, बट कहीं ना कहीं इंडिया में मैंटेलिटी आज भी क्या ही है कि कहीं पर लड़की खड़ी होती है जहाँ चार आदमी होते, तो इट्स लाइक यू नो कि ये है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सो इट्स गुड
And we all, I come from no background here. I mean, I'm not from any Kapoors or Khans or any family. I've done all my hard work to come here. I used to do controversies, of course, to gain the limelight. You people made me. So today when I saw that, let's do something more better. Let's do controversy in the film only, no? The Weeknd. That's how I did. And the people are made that women is big, bigger to becoming nowadays. Sorry, sir. Women is becoming very big, bigger, super zulum ho rahe hain, aisa bhi kehte hain log. Lekin women are very top pe. Aha. They are very top pe. अरे थैंक यू जी और ये टॉप पर कहा जाता है कि उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कहीं कहीं ऐसा भी कहते हैं थैंक यू उसके भाई ऑनेस्टली पैशन है माय टारगेट टू कम हियर डू ऑल द ड्रामा सिंस वर्ल्ड कप ऑल माय कंट्रोवर्सीज आर वर इट वाज टू वर्क इन द फिल्म People do 200 auditions out there. People do hell lot of things out there. I've seen people. I just choose to shortcut. They still, they tell me that why do you do this? It's a shortcut. Yeah, well, अरे यार मेरी मर्जी थी. मैंने लाइफ में कुछ किया और मैं खुश हूँ मैं जाके. You know, today I acted in the film. My director is happy. They all are happy and the everything is going good. People are talking good about the film. It's not a porn film. It's not a porn film. It is a full-fledged film. If you see, it's acting, it's content. Though of course Poonam Pandey is there, you gotta put little bit of Poonam Pandey karta hai. But it is as good as a full-fledged film. लाइक टू एड वन थिंग आप लोग जिस पूनम पांडे को जानते हो द कंट्रोवर्शियल क्वीन पूनम पांडे ये पिक्चर देखने के बाद आपका पूरे देश का नजरिया इनके प्रति बदल जाएगा दिस इज वन थिंग आई अश्योर यू ऑल द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस पूनम ने इस फिल्म में दिया है इट्स अनइमेजिनेबल आई वाज शॉक्ड इन फैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर डेविड धवन जी मुझे बहुत सी माधुरी दीक्षित जी से जूही चावला जी से करिश्मा कपूर सबके साथ काम करने का मौका शी स्टैंड्स अमंग द बेस्ट इन द बिजनेस और ये मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ ये बात पूनम आई वॉज रियली प्राउड ऑफ यू ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पिक्चर देखने के बाद आपको लगेगा मैं एक शब्द भी मैंने एग्जैजरेट नहीं किया शी वॉज रॉकिंग इन द फिल्म सुरेश भाई इज अ जेम ऑफ अ प्रोड्यूसर इनसे ट्यूबलाइट मांगू ये आदमी चांद दे देता है तो और क्या मांग सकते हैं अमित ये इतना मेथड एक्टर है इतना मेटिकुलसली सब कुछ प्लान करते हैं दोनों के साथ काम करने में बहुत दिक्कत थी कि इसको जो बोले ये एकदम बैल के बोलते हैं ना एकदम नाक की सीध में ये पूरा फॉलो करके उस तरह का मेथड एक्टिंग शी इसके साथ में कुछ पता नहीं होता ये क्या करेंगे इंशाल्लाह इनको भी नहीं पता होता है इनको सिचुएशन दो उसके बाद में शी जस्ट जंप्स इन टू इट एंड व्हाट शी विल कम आउट ऑफ इट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद ऐसे रहता था कि अब लाइक क्या अप्रोच लेंगी कैसे लेंगी बट ये स्पॉन्टेनियस इतनी स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस है अपने आप को उस जगह में डाल एंड She got, you know, the best part आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा हालांकि इनको अप्लॉड मिला था लेकिन उसमें कॉमेडी हो गई सेट पे इनका एक शॉट था जिसके अंदर शी गोज पर्सन लाइक यू नो शी इज लाइक पूरी तरह से चीख रही है चिल्ला रही है एकदम और वो चीखो मतलब पूरा सेट तालियों से गूंज उठा और उसमें बाद में सब ऐसे हंस पड़े ये पिक्चर में मर चुका था इसका मुर्दा पड़ा था और इसकी आग बनती और ये भी शॉट के बाद ताली बजा रहा था और इसको हम लोग देख के एनडी में कितनी बार देखते थे यार ये मुर्दा भी ताली बजा रहा है वी यूज्ड टू रियली लाफ ऑन दिस लाइक ये आप लोगों के साथ मेकिंग में जरूर बात में शेयर करूंगा ये सुरेश भाई कुछ बोलना चाहेंगे ये द मार्केटिंग का ऑफ कोर्स मार्केट गुड इवनिंग मैं और पूनम जब मिले तो हमने थॉट क्रिएट किया कि कुछ अलग से करते हैं शॉर्ट फिल्म में आज की डेट में भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं मार्केट में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आ रही हैं यूट्यूब वगैरह पे भी आ रही हैं काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी हैं बट जैसा पूनम ने बताया कि दिस इज़ प्योर कमर्शियल सो हमने एक नया ट्राई करने का कोशिश किया कि हम इसको टेलीकॉम ऑपरेटर बिलिंग के थ्रू जैसा पूनम ने बताया कि कोई भी मूवी को देख सकता है जिस दिन मूवी रिलीज होगी जस्ट गो बाय बटन करेंगे आपके बैलेंस से पैसे कट जाएंगे 20 लाख से आप जो भी डिसाइड होगा और आप आराम से मूवी की स्ट्रीमिंग देख सकते हैं दैट इज 22 मिनट्स शॉर्ट फिल्म और दैट इज गेटिंग रिलीज ऑल अक्रॉस
इंडिया वाया मोबाइल प्लेटफॉर्म ओनली वाया पूनम पांडे डॉट इन जी। इस जैसा अभी हमने बताया कि फ्री रखा था, बट जैसा शुरू शुरू में बता दें कि ये कॉमर्शियली वाइबल बना रहा है हमने, और उसमें कंट्रोवर्सीज उसमें भी क्रिएट हुई थी, बट जैसा अभी आर्यन जी ने बोला कि दिस इज अ ट्रूली कैटरिंग टू मोबाइल लवर्स एंड लॉट्स ऑफ एक्शन एंड ड्रामा फ्रॉम पूनम एंड आई मीन यू लव इट। इसीलिए तो हमने सोचा कि कुछ कॉमर्शलाइज करते हैं। सर सर जरूर ओके सी मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने लीक करवाया था। और देखो ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है। आई थिंक मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ए लिस्टर से लेके जो भी है ये सब करते हैं, इवन एवरीबॉडी नो एवरीबॉडी, सो तो वो भी करते हैं, मैंने भी किया। और देखो आप तक न्यूज पहुंच गई, लीक हुई, मुझे भी न्यूज मिली, लीक हुई यार। See again, I mean, of course there are some serious issues where people put so much money, I mean, crores and crores and crores or aisa kuch hota hai, which is absolutely wrong. Of course, it's the biggest crime, so it should not happen. But there are some people that just do it for the sake of publicity, like me. Poonam ji, aapki favorite heroine kaun hai? Deepika Padukone. Aapne kaun sa dance sikha hai, classical ya Indian? Main aapko baad mein karke bataun. आपकी रुचि किसमें है ज़्यादा? रुचि कंट्रोवर्सी में करने में थी, अभी नहीं है। अभी ऑफ कोर्स एक्टिंग, अब द वीकेंड देखेंगे, आप बोलेंगे, मैं क्या बोलूँ, व्हाट टू से। अब इतना अच्छा लग रही है, दिख रही है, तो आपको डांस भी आए तो अच्छा मजा आ जाएगा। अरे यार थैंक यू मैं जरूर ट्रेलर, आई थिंक वी शुड प्ले द ट्रेलर, आई थिंक आप है ना, वी शुड प्ले द ट्रेलर। यस उनको डीवीडी दिलवा दो ना, नेक्स्ट मूवी यही देखो। राइट में आप।
Poonam, you started your journey with a controversial statement in the Hollywood Cabin. Yes. So what really made you to make that statement, and do you think it helped you in your career as such? Of course it did, to be very honest. Of course it did. It was a big statement. It was a pure strategy, which was made by me. And yeah, it worked, yeah. That's the reason I'm sitting here promoting my film The Weeknd. Of course it worked. But do you think when you make a controversy, success becomes more easy, or getting a name of yourself becomes more easy? See, again, there's, there was a little bit of favor. I mean, not favor, I would say there was a little bit, luck tha kahin na kahin. Because controversies either put you up, either can put you really down. So when you also do controversy, you gotta make sure that, see, this is our controversy queen speech. I'm just... it worked enough for me. I'm happy. When you first inspired of being, as far as becoming an actress, I said, mm-hmm. What was the first inspiration you got from any actress? You know, there are big names. Aishwarya is there, Madhuri Dixit from the 90s, or even now Kangana is there, Katrina is there. So did you compare yourself with anybody, or do you want to make a name of yourself? See when I used to watch Madhuri Dixit when I was a kid, I used to always compare myself with those actors. But I really didn't knew the way how to get into this Bollywood industry. So my family, nobody is from Bollywood, of course. I'm no dur dur tak koi nahi hai. So I thought, acha, what can be the way to get here now? But I came here, I'm talking 2011 ke aaspaas ke baad. Main jab aayi aur maine dekha ki यहाँ पे लोगों की बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी होती है ऑडिशंस के लिए. अगर आपके पास आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए या फिर गॉडफादर होने चाहिए फलाना ढिकाना, आई वॉज लाइक यार ये तो इम्पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल. फिर आप कास्टिंग का जैसी चीज़ें सुनते हो, बहुत सीरियस चीज़ें हैं, आप काफ़ी चीज़ें सुनते हो, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ये ना कुछ लड़कियाँ बाहर से आती है मुंबई में, बेचारी दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, बट वो सपना धीरे 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 वो चीज़ें होती हैं लाइफ में. तो आई थॉट क्यों ना मैं अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी प्लान करूँ, क्यों ना मैं कुछ अलग करूँ, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ जो किसी ने नहीं किया. एंड दैट इज़ हाउ आई केम अप एंड डिड माय ओन कंट्रोवर्सीज, एंड इट वर्क फॉर मी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाउ टू गेट दैट स्टेज. सो आई थॉट लेट्स डू दिस. एंड टुडे आई एम हियर. आई एक्टेड इन द वीकेंड. My director Aryan is sir, he's very happy. He said, you're a brilliant actor. I says, thank you sir, because at the end you controversies was done, just wanted to reach on the stage. Only one more thing, you know, women are in so insecure in our society, as they face exploitation, domestic violence kind of thing. So have you faced any kind of exploitation? I mean, talking about the industry as such, or any, you know, people misguiding you, or any sort of negative circumstances? Mm-hmm. See, honestly, I mean, not misguiding or things like that, but yes, there are people who try to make things negative around you. People try to speak, even in your life. Yeah, it's quite normal. I mean, aap kuch achha sochiye ghar se nikalo, and people are like, नहीं हो पाएगा यार. तो दैट इज़ अ टाइम यूर लाइक देन यू हैव टू थिंक अबाउट यू अगर जस्ट थिंक अबाउट योर ओन, आई मीन योर ओन पावर, योर ओन गट फीलिंग दैट इट्स गोना हैपन. देयर आर पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन. यू हैव गॉट अ वेरी सेंसुअल पर्सोना, यू नो, सो दैट सेंसुअल पर्सोना इज जस्ट अ वेरी बिग एसेट फॉर यू फॉर मेकिंग द मार्क इन अ ग्लैमर इंडस्ट्री. या दैट इज, सी आई मीन पीपल ट्राई टू पुट देयर ब्रेन्स इन अदर वेज, आई ट्राई टू यूटिलाइज माई सेल्फ. Okay, and you were talking about the international project as well. What kind of international project you have been approached for? You have been, are you looking forward to making a bit in Hollywood as well? You know, Deepika is a big name right now, Priyanka is a big name right now. Apart from, of course, I'm a big fan of them. Apart from Deepika, I would say, yeah. I just did a reality show, of course, an international reality show where I'm representing India. It is called Asia Hot Angels, and I think we've already done with the shooting. बहुत जल्दी रिलीज़ भी होने वाली है. तो आई थॉट इसके पहले द वीकेंड
ये 24 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है पूनम पांडे डॉट इन पे, तो ये इसके बाद है। Where are you from basically? Your hometown and what about your family? How do they react to all these things? I mean, many problems. There are too many problems, yeah, home. Don't ask. It's like every time when I post some picture and it's like, I always get into this trouble. It's like they always ask me. So lastly, asking, you have quite made a name of yourself. When are you planning to settle down and what kind of person you are looking for? I'm just 25-year-old, my dear. I'm least interested in any. I gotta focus on some things in my life. I have got to reach somewhere. I got some things in my mind. And but what kind of person basically you like? I mean, as an individual, a man should have, what kind of qualities to attract you? Because you attract everybody. What kind of qualities a man should have? No, yeah. I mean, I didn't really thought about it. Yeah. Okay. I didn't really thought about. Not anybody attracted you from the industry or anybody. In the industry, I mean, come on. I mean, every man is attracted. Everyone. If I started dating, I would start cheating everybody. Okay. So I don't talk about that. And what's in the next project or something? The Weeknd, which I'm promoting, of course, which is releasing on this coming 24th September, and exclusively releasing on PoonamPandey.in. Apart from that, party ke liye sabko milti rahegi. Thanks, Poonam. Thank you very much.